तो वहां पे बच्चों की जो आवाज है उसको दबा दिया जाता है, बच्चों को मेंटली हरास किया जाता है, बच्चा वहां पे प्रेशर में रहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है पर मैं अपने मुद्दे को उठा नहीं सकता ना, क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी मेरे करियर को खराब कर देगा, मेरे मार्क्स कम दे देगा, मुझे फेल कर देगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स का एक एपिसोड और लेके जहां पर मैं आपके सामने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करूं और खास करके जो प्रॉब्लम होती है ये फीस से रिलेटेड होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हायर एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फीस का ही है, क्योंकि बच्चों से अनाप शनाप पैसे वसूले जाते हैं। कैसे वसूले जाते हैं मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जब आप एडमिशन टाइम पे कभी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में विजिट करते हैं तब आपको एक फीस दिखाई जाती है कि ये हमारे कॉलेज की फीस है या हमारे यूनिवर्सिटी की फीस है, पर जब उसके बाद आपको पता पड़ता है कि आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपसे बोलेंगे भैया आपको एग्जामिनेशन फीस जमा करानी, फिर आपसे बोलेंगे आपको एनरोलमेंट फीस जमा करानी, फिर आपसे बोलेंगे मिड टर्म की अलग से फीस जमा करानी, फिर आपसे बोलेंगे कि आपको अगर बाई चांस टीसी लेनी है, माइग्रेशन लेनी है, डिग्री लेनी है, तो उसके अलावा आपको ये फीस और एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे भी सामने आए कि डिग्री के नाम पर 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार वसूले जा रहे हैं बच्चों से, which is not right, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने बॉम्ब में एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि हाँ हम डिग्री के नाम पे इतने पैसे लेंगे, और बच्चा ऐसा होता है जब 4 साल या 3 साल डिग्री कर चुका होता है तो वो अपना डिग्री लेके जाना चाहता है, वो फालतू के पंगे लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, राइट? तो वो क्या करता है, डिग्री ले लेता है और खत्म कर देता है इस मैटर को। पर स्टूडेंट अगर बाई चांस ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में उस सिस्टम के अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमारे से फालतू अलग से जो डिग्री के नाम से पैसे या टीसी माइग्रेशन या फिर आपसे और भी जो एक्स्ट्रा आपसे फीस ली जा रही है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। पर मैं आपको यही दूंगा कि चलो आपने तो अगर एजुकेशन कर रहे तो अच्छी बात है, पर अगर बहुत बच्चे जो अभी स्कूल में है और अब कॉलेज में आने वाले हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप एडमिशन लेने जाए तो आप यह जरूर पूछिए वहां पे कि भैया आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या क्या फीस लेने वाले हो, मतलब आपकी एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी, आपकी एनरोलमेंट फीस क्या रहेगी, आप कोई मिड टर्म के नाम से एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लोगे, आप टीसी माइग्रेशन और डिग्री के नाम से कोई फीस लोगे, ये सब चीजें आप नोट करके जो भी मैनेजमेंट एडमिशन दे रहा है उससे आप लिखवा के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, आपसे कभी भी किसी भी नाम से आपसे पैसे वसूले जा सकते हैं, प्लस या फिर कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें भी आपसे एक्स्ट्रा वसूली की जाती है, जबकि यूनिवर्सिटी का फीस के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड होती है, राइट? और अगर एक्सक्लूड भी है तो उनको उस टाइम पे एडेड एडमिशन टाइम आपको बताना चाहिए, राइट? तो ये सब चीजें जो आज मुझे मैसेज के अंदर मिली और मैं वन बाय वन आपके सामने पढ़ूंगा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है इन प्रॉब्लम को रेज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है वहां तो क्या होता है कि एक बॉडीज होती है लाइक एनएसयूआई, एबीपी, ऐसे संगठन होते हैं जो बच्चों के सपोर्ट में खड़े होते हैं, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसे संगठन नहीं होते और ना ऐसे संगठन को बनने दिया जाता है, तो वहां पे बच्चों की जो आवाज है उसको दबा दिया जाता है, बच्चों को मेंटली हरास किया जाता है, बच्चा वहां पे प्रेशर में रहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है पर मैं अपने मुद्दे को उठा नहीं सकता ना, क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी मेरे करियर को खराब कर देगा, मेरे मार्क्स कम दे देगा, मुझे फेल कर देगा, या मतलब मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारे मतलब बचकाने धंधे होते हैं जो कि बच्चों को डराया जाता है, मेंटली हरास किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अब मैं आपके सामने कुछ कमेंट्स लेने वाला हूं जो कि मुझे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में मैं और भी टॉपिक्स आपके सामने उठाने वाला हूं। प्लीज आप अपने जो मुद्दे हैं उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं ऐसे मुद्दे उठाऊंगा, राइट? सो मैं पहला कमेंट ले रहा हूं, सर माय फीस टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय कॉलेज, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द फीस स्ट्रक्चर वाज 55,000, देन दे हैव वन मोर फीस स्ट्रक्चर सेम अ कोर्स दैट 85K। तो ये बहुत होता है कि आपको एक्चुअली जब एडमिशन टाइम पे तो आपको अलग फीस बताएंगे, फिर जब आप एडमिशन लेंगे फिर बोलेंगे नहीं भैया ये नहीं थी, आपकी ये फीस है, इसमें ये एग्जामिनेशन एनरोलमेंट ये सब इंक्लूड करके इतना हो रहा है, राइट? तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब आप एडमिशन लेने जाए तो आप ये जरूर कंफर्म कर लीजिए। सेकंड मैसेज यहां पे ये लिया है, वेल सेड सर, नाउडेज मेनी प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैज बिकम मनी मेकिंग मशीन्स, दे आर फार अवे फ्रॉम क्वालिटी टीचिंग, जस्ट गिविंग डिग्रीज बाय मेकिंग मनी, द प्रिंट मीडिया नेवर टॉक अबाउट देयर बिग स्कैम बिकॉज दिस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गिव देम अ मनी एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन देयर फ्रंट पेज। तो ये भी ऐसा एक मुद्दा है जो कि बहुत ही ज्वलंत है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे तो आवाज उठाई जाती है पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म इसके अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाती, जो कि सामने दिखता है कि बहुत बड़ा स्कैम है ये। सो एक और कमेंट लेता हूं, अ लॉट ऑफ थैंक यू फॉर दिस इनिशिएशन, द कंडीशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज दैट आफ्टर पेइंग सच अ हाई फीस इन अ स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैव टू स्टडी फ्रॉम द यूट्यूब। तो आजकल बच्चा मतलब कॉलेज के अंदर पूरी फीस पे करता है, उसके बाद भी उसको सब कुछ यूट्यूब पे ही देखना पड़ता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने जो फैकल्टी है उनको अनप्रोडक्टिव कामों में जैसे मार्केटिंग है, फाइलिंग है, इन फालतू कामों में इन्वॉल्व कर रखा है, जिससे कि फैकल्टी खुद भी डिसअपॉइंटिंग हो जाती है और अपना क्वालिटी जो टीचिंग है वो स्टूडेंट को नहीं दे पाती। तो ये भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि बच्चे को यूनिवर्सिटी में फीस देने के बाद भी बाहर
जाके उसको ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग करनी पड़ती है। सो एक और कमेंट लेता हूँ। मेरे साथ यू हुआ, जब एक कॉलेज में एडमिशन लेने गया तब 90,000 फीस ले रहे थे, तब मैंने बोला फीस कम करिए, तो उन्होंने बोला कि आप 5 स्टूडेंट लेके आइए, हम 50% फीस आपको कम कर देंगे। इसमें ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि बच्चों को आप कॉलेज की मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो। और इवन मैंने तो देखा है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों को बोलते हैं कि भैया आप एडमिशन लेके आइए, हम आपको इतना परसेंट कमीशन देंगे। तो बच्चा उस एजुकेशन की क्या इज्जत करेगा जहां पर सिर्फ खाली कमीशनबाजी हो रही है और बच्चों को सिर्फ फंसाया जा रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होते हैं, ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, उनको आगे का जो उनका कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो देना है उनको या फ्यूचर में जो आगे कुछ करना है उस पे ना फोकस करके सिर्फ इन्हीं कामों में लग जाते हैं, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले जो मेरे अपकमिंग वीडियोस है उसमें एक जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई है वो है फैकल्टी से रिलेटेड, कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तब वहां पे बहुत सारे फैकल्टी के फोटो दिखाए जाते हैं, पर एक्चुअल में वो फैकल्टीज वहां पे होती नहीं है, राइट। बहुत सारे डमी फैकल्टी वहां पे दिखाया जाता है बस बताने के लिए कि हाँ ये हमारे पास फेसेस है, राइट। इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, सो देट कि मैं आपके कमेंट को मेरी वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। हायर एजुकेशन में फीस से रिलेटेड जो स्कैम है इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया और कैसे आप इससे बच सकते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स आपकी आवाज के साथ। थैंक यू।